शॉपिंग दिखाइए। दूसरा क्या? दूसरा क्यों दिखाऊं? ये देखो ना आप, ये बढ़िया गेम है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही ना है, पर्ची निकालो तो जो आ गया वो करो। है देख लो, पछताना ना पड़े। ला नहीं दूंगा, बना के खिला दूंगा। अच्छा। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो आज काफी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और घर से ही व्लॉग कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग करते हैं। मैंने एक चैलेंज सोचा है उनके लिए, मतलब अपने पते के परमेश्वर के लिए। तो चैलेंज में कुछ ये है कि मैंने ना कुछ स्लिप्स बनाई हैं और ये स्लिप मैं उनसे सेलेक्ट करूंगी। हाँ ये ठीक है, ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये कभी करेंगे तो आज ये अच्छा मौका है। जो पर्ची में लिखा होगा उनको वो करना पड़ेगा। तो चलो आज का श्री गणेश करते हैं व्लॉग का। लगा रहे हो या फाउंडेशन लगा रहे हो? फाउंडेशन नहीं, क्रीम है ये। दिखाना, क्रीम है भाई ये, क्रीम नहीं है। मेरा भाई चुराता था क्रीम और फेस वॉश, और अब ये मेरे बैग में से सामान निकाल निकाल के लगाते हैं। मैं नहीं लगाती, ये लगाते हैं। CCBB फाउंडेशन, सब कुछ जो मिलता है सब लगा देते हैं, जिससे चेहरे पे फिल्टर आ जाए बस। तो वैसे अभी हमारा प्लान है कि हम घर जा रहे हैं, मतलब मेरे घर जा रहे हैं पापा को मिलने के लिए। तो बाहर पर तुम आपने देखा होगा कि जितनी बार भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ घर ही जा रही होती हूँ या घर पे ही स्टार्ट करती हूँ। तो रीज़न यही है कि पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बार बार जाना पड़ता है। जिस दिन मेरा ऑफ होता है तो हम चले जाते हैं। तो आज घर चलते हैं और साथ के साथ हमारा जो चैलेंज है वो भी हम कर लेंगे। सला सला आपा सला चला सॉरी चला आपा चला आपा चला चला गया से बोल चला चल चल भाई चल। तो यार मैंने आपके लिए ना एक चीज़ सोची थी। मैंने सोचा था कि हम ना, मैं पर्ची बनाई है तो जो पर्ची में लिखा होगा ना वो आपको आज के दिन मेरे लिए करना पड़ेगा। वैसे आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, ये बात आप जानते हो, मैं ही आपको सारे काम करके देती हूँ। तो इसलिए आज मेरा दिन है, तो मैं जो आपको पर्ची दूंगी ना आपको वो माननी पड़ेगी बात, ठीक है? पर्ची में जो भी आएगा। डन, चमुक्का मारना क्या? मैं तो पर्ची निकालो। आप पर्ची निकालो। ए भगवान, चल यही दे दे। क्या है? शॉपिंग दिखाइए। दूसरा क्या? दूसरा क्यों दिखाऊं? ये देखो ना आप, दूसरा था डिनर डेट। आप मुझे बाहर खाना खिलाते तो उन पैसों की हम शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है? लो लो चलो चलते हैं। तो फाइनली मेरी एक पर्ची पूरी होने वाली है, शॉपिंग वाली। देख रही हूँ अगर कुछ पसंद आया तो। वैसे तो मैंने, मेरे पास जैकेट बहुत सारी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि कोट ले लेती हूँ, क्योंकि हम पार्टीज में जाते हैं ना तो मैं उसके ऊपर जैकेट पहन के जाती हूँ, वो अच्छी नहीं लगती। ये बढ़िया गेम है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही ना है, पर्ची निकालो और जो आ गया वो करो। है ये फाइनल हो गया? तो मैंने ये ब्लेजर लिया। डेंट एक्सीडेंट। यार गाड़ी संभाल के चलाएं। तो घर खाली हाथ नहीं जाना था, तो हमने जाने से पहले यहाँ पे फ्रूट्स खरीदने के लिए रुके। तो हमने फ्रूट्स में, अगर आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि ये कौन खरीदता है। तो हमने यहाँ पे काली गाजर, किन्नू, गन्ने, अंगूर और चुकंदर लिए। कोई नहीं होता।
तो घर आने के बाद ना सबसे पहला काम मैंने ये करा कि मम्मी को बोला कांजी बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं मदर डेरी से काली गाजर चुकंदर लेके आई थी, तो मम्मी ने यहाँ पे भी कांजी बना के रख दी है और मेरे वहाँ वाले घर पे भी कांजी बनी हुई है। बस उसको धूप में रखना पड़ता है। अब इसको रखेंगे धूप में 5-6 दिन के लिए और फिर उसके बाद इसको पिएंगे ना तो इससे खून बढ़ेगा। तो कांजी अगर आप बनाते हो ना तो खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है और विटामिन डी भी देती है क्योंकि हम उसको काफ़ी दिन तक धूप में रखते हैं। तो इसके अंदर काली गाजर, चुकंदर और राई, राई को ग्राइंड करके और काला नमक, इसको ऐसे ही डालना है बस पानी के अंदर। तो कभी मैं बनाऊंगी ना तो दिखा दूंगी। अब तो खैर बन चुकी है ये, ऊपर कुछ खाने का बड़ा हुआ है और ये देखो इसकी मेहनत। मम्मी देख रहे हो जोई को, देख रहे हो इसको? ये देखो सब लोग जोई अपने पे खत्म कराएगी। देखो कहाँ बजा के बैठी हुई है कोने में। तू बोल मम्मी को, इसको कुछ निकालना है सोफे के पीछे। देखो नहीं चाहिए मम्मी को, तू बोल, मैं नहीं बोल रही। नहीं निकाल, बोल दे, बोलो 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 मम्मी को, बोलो बोल दो मम्मी, मम्मी निकाल दो मम्मी। क्या चाहिए? डब्बा गिर गया इसका पीछे, थप्पड़ मारूंगी। नहीं निकालना। हाँ मम्मी कैमरा चल, कैमरा चल रहा है। नहीं निकालना, नहीं। तो चलो अब इसी के साथ घर से जाने का समय आ चुका है, तो चलते हैं वापस। यार इसको मम्मी टीबू का पकड़ लो। चलो यार ये हेलमेट उठा लो बस आप। तो घर पहुंच चुके हम। करे हो आप इस हालत में कि इसको कंटिन्यू करोगे? ओ भाई, हाँ या ना में जवाब दो। ओ भाई ओ बहन नहीं करना। हाँ कर सकते हो, है दम, सफाई भी आ सकती है आपके हाथ में। अभी थोड़ी ना करूंगा फिर कुछ, देख लो आपकी मर्जी है। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। चैलेंज देखो फिर कल, कल पे आ जाएगा। कल पे ही ठीक है यार, अभी क्या करूंगा तो फिर कल। यार मान ली मेरे बस क्यों उठना ना, है ना, अब कल करेंगे कंटिन्यू। चलो ये हम कल करेंगे, ठीक है? नहीं कल ही देखना, अभी ये जो भी। नहीं 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 कल देखना, ठीक है ना? कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट। तो वेलकम अगेन, और ये है नेक्स्ट डे और हम अपने कल वाले व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इनकी वजह से मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही, और पहले जब मैं व्लॉग बनाती थी ना अकेले तो सारे व्लॉग्स बन जाते थे मेरे से रेगुलर, और अब मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ रहा है और ये घर पे होते नहीं है, और इनकी वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पा रही और बाहर मैं जा नहीं पा रही और बाहर घूमने भी नहीं दे। तो ससुराल का क्या, अचार डालू? या तो मैं वहां रहता हूं या यहां रहता हूं। हाँ तो वीडियो बनाने में क्या है, वीडियो क्यों नहीं बनाने दे? टाइम चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। टाइम है नहीं, फोन चलाने के लिए टाइम नहीं है। फोन चला के क्या देखता हूँ? पहले ये बताओ कल वाला वो करे वापस कंटिन्यू या आप हार मान चुके? उसमें 1 रुपए का फायदा बता, कोई नुकसान भी तो कुछ नहीं आपका। नुकसान क्यों नहीं है? नहीं है। कल तूने शॉपिंग का कर दिया, ठीक है आज पता नहीं क्या निकाल देगी। आज वो आपके हाथ में, आपकी किस्मत में कि क्या निकलेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा निकलेगा, अगर नहीं होगा फिर भी कुछ ना कुछ तो मुझे कोई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं करें। तो यार अब 2 स्लिप निकालते हैं। तो अगली जो 2 स्लिप है ना वो ये है, देखो ये है अगली 2 स्लिप में। तो देखते हैं कि ये क्या चूज करते हैं। रेडी राउडी रेडी। शॉपिंग तो होगी नहीं, शॉपिंग हो चुकी है, ठीक है चलो पसंद करो, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, देख लो देख लो, पछताना ना पड़े। क्या है? मैगी। सस्ते मैगी में ला दूंगा तेरे को, सस्ते में ला नहीं दूंगा, बना के खिला दूंगा। अच्छा हाँ, जाओ के साथ साथ रोटियां भी बनवा सकते हैं, हमारे पास अभी ऑप्शन है, बना दोगे रोटी तो, है ना? मैगी कोई बनाए, काम सामान कोई लाए। देखते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अड़ जा दूर होने। ये मैगी बना रही है और मैं चुपचाप चुपचाप एक पिज्जा बना रही हूँ, रोटी पिज्जा। तो ये मैंने ना पिज्जा सॉस डाल दी है इस पे, ये रोटी है अपनी दोपहर वाली, और ये अब हम इसमें डालेंगे चीज ब्लेंड।
लेकिन मैगी जल जाएगी। अब डालेंगे इस पे मोजरेला चीज। तानी क्या क्या करवा के मारेगी। तवे पे रख देते हैं और कलाकारी करते हैं बने या ना बने। किसी चीज से ढक देते हैं, इससे ढक देते हैं। रोटी ना खा लेना आज। एंड द शेफ एंड द रेसिपी। देख लिया। देखूं क्या खाऊंगी, देखने में क्या मजा है, जो खाने में मजा है वो। तो हमारी मैगी हमारी मैगी तारे और क्या क्या करवाई। तो हमारा पिज्जा भी बन के रेडी हो चुका है। देखो चलो, तो मैंने एक रोटी ली थी जो दोपहर की रखी हुई थी और पहले मुझे लग रहा था जल जाएगी, देखो नीचे से भी नहीं जली, बिल्कुल करारी हो चुकी है नीचे से। आओ, करारी हो गया और पिज्जा आप कट करेंगे और इसको खाएंगे और इसका फ्लेवर बिल्कुल डोमिनोज जैसा आएगा। हाँ हाँ, चीज ब्लेंड डाली है मैंने। तो मैंने मैगी टेस्ट करी थी, अभी पिज्जा टेस्ट करेंगे। यार ये अच्छा ना रोटी का ही पिज्जा, खानी खत्म। उस दिन हमने इतना तामझाम लगाया, इससे बेटर है बची हुई रोटी को पिज्जा बना दो। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ भाई। कुछ मत ला यार, क्या तू खामा का अभी मैगी बना के खिलाई है। देख रहे ना काम कर रहा हूँ। अरे चल, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंगल रात को कपड़े धोऊंगा। कपड़े नहीं है, मैंने इस पे बर्तन भी बनाया, देखो गोल सा बर्तन। बर्तन बर्तन धोने आपको। वैसे भी मैं आई इसी तरीके से थी, मैंने सोचा था काश भगवान ये वॉशिंग चूज करे क्योंकि बर्तन धोने का टाइम हो चुका है। चलो आओ बर्तन धोए। बर्तन धो, बर्तन चलो। जब मेरी बारी आएगी ना तब मैं आपके सारे काम कर दूंगी, लेकिन अभी आप तो मैं काम कर रहा था भाई। चलो देर हो गई और इनके बर्तन नहीं धुले, इनसे जल्दी तो मैं धो लेती हूँ बर्तन। थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ, इतनी धीरे धीरे तो ना पूरे मोहल्ले के बर्तन धुल जाते। वेरी गुड, थोड़े से रहेगा बस। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। बेलन दिख रहा है। कैसा लग, क्या कहना चाहोगे आप? बस ये मेरा पहले और लास्ट था जिंदगी का। देखा औरतें कितनी मेहनत करती हैं। हाँ ये बात तो है। ठीक है, पहले ज्यादा वो मत कर, अब ये लास्ट ही पर्ची थी, पर्ची भी लास्ट ही थी, अब नहीं। अभी एक और है, एक और अब है। अब कुछ हो क्या, हम एक और पर्ची पर्ची खेले, खेल सकते हैं क्या एक और पर्ची पर्ची? आप से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने हार मान ली, अब नहीं खेलते।